आते हूँ अभी, इतनी दिक्कत क्या करूंगा, मैं परदेसी आदमी हूँ, यहीं रहता हूँ मैं, 6 नंबर गए। ऐसे जाता हूँ परेशानी उठा के भर के लेके आता हूँ कंधे पे, अब कहाँ तक भागूंगा वहाँ तक सर। अभी इधर गया था अपने नगर पालिका में, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती सर, मैं गेट से पानी भर के लेके आता हूँ, अभी इतनी दिक्कत क्या करूंगा, मैं परदेसी आदमी हूँ, यहीं रहता हूँ मैं, 6 नंबर गए अपने इसमें हाउसिंग बोर्ड में। अच्छा, तो किस तरह से पानी नहीं है तो फिर गुजारा कैसे चलता है क्या? अब ऐसे जाता हूँ परेशानी उठा के भर के लेके आता हूँ कंधे पे, अब कहाँ तक भागूंगा वहाँ तक सर। अगर कोई अधिकारी क्या कोई के पास मैं गया, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं होती नगर पालिका के अंदर। आपका नाम? हिम्मत सिंह राजू, पानी पताजे वाला। परेशानी आते क्या है? बहुत परेशानी हो रही है सर, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, 5 सालों से दिक्कत हो रही है यहाँ पर सर, 3-4 महीने से पानी भी नहीं आ रहा, पीने का पानी तक भी नहीं है, ना हेडपम्प की कोई संभावना है यहाँ पर, ना कोई बोरिंग की है सर, यहाँ पर बहुत समस्या है, हम तो खुद आके यहाँ पर परेशान हो रहे सर। तो फिर कैसे गुजारा चलता है पानी बिना? सर अब क्या करें, थोड़ा बहुत अभी बोरिंग है उसमें थोड़ा बहुत ले रहे हैं, उसमें से गार्डन के अंदर से थोड़ा बहुत पीने का तो चला रहे हैं सर, टैंक भी कब तक डलाएं, हम भी गरीब आदमी है सर, हमारे पास कहाँ खारा पानी पी रहे हैं हम, बताइए आप। कौन सी जगह है? 6 नंबर वार्ड है सर, हाउसिंग बोर्ड में, नगर पालिका का। पानी की तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब ऐसा होता है कि चौथे दिन पानी आता है और वो भी सिर्फ 10 मिनट, और वो भी सिर्फ पीने का पानी आएगा, और फिर ये बताइए आप नहाने के लिए हम कब तक टैंकर डलवाएंगे, इसका कोई समाधान कीजिए। कभी किसी अधिकारी के पास गए नहीं? जी हम जाके आए थे कल ही, हम नगर पालिका ऑफिस में गए थे, हमने वहाँ भी चेयरमैन को बोला है हमने, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही कुछ इस बारे में करूंगी कार्रवाई, तो हमें उम्मीद है उनसे भी कि जल्दी हमारे इस ब्लॉक को लेकर जितना जल्दी हो सके बहुत की जाए कृपया कार्रवाई। नाम बताइए। और हैडपम्प का भी हमें बहुत यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम यहाँ पर। आपका नाम? जी मेरा नाम अंकिता शर्मा है। कौन सी जगह है ये पार्षद जी? क्या सर? सेक्टर 6, उस सेक्टर 6 में वार्ड 6-7 है ये, अभी खड़े हैं यहाँ पर। बोलिए। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? सर हमने PhD डिपार्टमेंट को इतनी चिट्ठियाँ लिख दी है, और मैंने SDM साहब को कम से 5 सालों से हमने चिट्ठियाँ वगैरह लिख के ज्ञापन देके परेशान हो चुके हम, लेकिन लाइट और पानी की अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हो पाया, और बार बार कहते हैं हाँ कल आ जाएगा, परेशान होके परसों हो जाएगा, सब वही की वही परेशानी होती है बराबर। और हमारे एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पे, कोई क्या लिख के भेजता, कोई क्या लिख के भेजता है, बदतमीजी से बोलते हैं, लेकिन क्या करे वो परेशान है, रात को 1 बजे लाइट कट जाएगी, और कहीं पानी आएगा 5-4 दिन में एक पानी आता 72 घंटे, वो 10 मिनट, हमारी बहुत ज़्यादा पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, हम सब पीड़ित हैं सब। अच्छा, कनेक्शन लगाने के लिए कितना पैसा देते हैं, क्या है? कनेक्शन तो बराबर लगा रही है, सुनते ही प्लास्टिक की लाइन है, ज़्यादा प्रेशर से फट जाती है, हाउसिंग बोर्ड ने प्लास्टिक की लाइन डाली है 3-2 इंची, जो ज़्यादा प्रेशर से फट जाती है, और फिर अभी हमने लाइन डलवाई भी है लोहे की वगैरह की, लेकिन फिर भी अभी संतुष्टि नहीं हुई, वो कहते हैं 2 दिन और रुको, 4 दिन और रुको, लेकिन जनता इतनी कैसे रुकेगी सर, टैंकर डाला के परेशान हो गए हम। अधिकारी के पास जाते तो क्या जवाब? PhD डिपार्टमेंट भी गए हम, कल करेंगे आज करेंगे, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो आश्वासन मिलता सर, हमने कल भी लेटर दिया है सर, वो लेटर दे दिया हमने कल। समाधान क्या कर रहा है पीने के पानी का? कुछ नहीं, हम टैंकर लाते सर, ये 350 रुपये टैंकर आता सर। तो रोज टैंकर डलाती है जनता? हाँ, फोटो में सर हमारे पास टैंकर का है, कभी जैसे हाफ हाफ करके दोनों में एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बेचारा वहाँ से लेके आता है, कोई गेट से लेके आता पानी। महेंद्र डाबी, नगर पालिका पार्षद महेंद्र डाबी।